हेलो एवरीवन, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है इलास्टिसिटी या प्रत्यास्थता। इस टॉपिक का जो भी मटेरियल है वो मैंने एनसीईआरटी की बुक से लिया है। लेट अस सी इलास्टिसिटी क्या होती है। आप सबने इलास्टिक देखा होगा, जब हम इलास्टिक को खींचते हैं तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है। जैसे ही हम वो फोर्स हटा लेते हैं तो इलास्टिक वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है। सेम ऐसा ही स्प्रिंग के साथ होता है, जब हम उसे बाह्य बल लगाकर दबाते हैं तो वो दब जाती है और बल हटा लेने पर वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाती है। तो प्रकृति में जो वस्तुएं पाई जाती हैं उनमें से कुछ वस्तुओं में ऐसा गुण होता है कि अगर उन पर बाह्य बल लगाया जाए तो वो अपनी विरूपित स्टेट में आ जाती है, यानी कि डिफॉर्म हो जाती है, उनमें विरूपण हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो बल हटा लिया जाता है तो वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती हैं। पदार्थों का यह गुण जो उन्हें वापस अपनी पूर्वावस्था में ले आता है वो इलास्टिसिटी या प्रत्यास्थता कहलाता है। कुछ वस्तुओं में जो प्रत्यास्थता का गुण ज्यादा होगा तो वो पूर्णतया प्रत्यास्थ वस्तुएं कहलाती हैं। कुछ वस्तुओं में प्रत्यास्थता का गुण कम होता है तो वो वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में, बिल्कुल ओरिजिनल स्टेट में नहीं आ पाती, लेकिन कुछ परिवर्तन के साथ अपनी ओरिजिनल स्टेट को प्राप्त कर लेती है। ऐसी वस्तुओं में कुछ डिफॉर्मेशन रह जाता है और इस डिफॉर्मेशन को हम कहते हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन। लेकिन यही चीज हम अगर मिट्टी या मड के साथ करें तो हम उस पर जो फोर्स लगाते हैं उसकी वजह से उसकी आकृति आकार चेंज हो जाता है, और जब हम फोर्स लगाना हटा देते हैं तो ये वापस अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आ पाती, ये परमानेंटली डिफॉर्म हो जाती हैं। ऐसी जो वस्तुएं होती हैं इन्हें हम प्लास्टिक कहते हैं, और इनका ये जो गुण होता है उसे प्लास्टिसिटी कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि ये जो सॉलिड्स हैं इनका ये बिहेवियर इलास्टिक होता क्यों है, यानी कि ये प्रत्यास्थता का गुण किस तरीके से शो करते हैं। किसी भी सॉलिड को जब हम देखते हैं, या हम जानते हैं कि कोई भी पदार्थ परमाणुओं या अणुओं से मिलकर बना हुआ होता है। ये अणु और परमाणु एक दूसरे को घेरे रहते हैं और आपस में इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स या इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स के द्वारा जुड़े रहते हैं। प्रत्यास्थता के गुण को समझने के लिए हम एक बॉल स्प्रिंग मॉडल की कल्पना कर सकते हैं। चित्र में दिखाए अनुसार जो बॉल्स हैं वो एटम्स या मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करती हैं, और जो उनके बीच में स्प्रिंग बनी हुई दिखाई दे रही है वो इनके बीच के बंध को रिप्रेजेंट करती है। जब हम इस सॉलिड पर बाह्य बल लगाते हैं तो ये जो अणु या परमाणु है ये अपनी जगह से डिस्प्लेस होते हैं, यानी कि अपनी जगह, अपनी स्थिति से इधर उधर विस्थापित हो जाते हैं। अब इनकी जगह के विस्थापन के कारण ये जो स्प्रिंग है या ये जो बंध है ये दबाव महसूस करते हैं और अपनी स्थिति में संकुचन या फैलाव महसूस करते हैं। जब आप इस बाह्य बल को हटा लेते हैं तो ये स्प्रिंग वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने की ट्राई करती है, और स्प्रिंग के ओरिजिनल पोजीशन में आने के कारण इस स्प्रिंग के सिरों पर जुड़े हुए जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स हैं ये भी वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ जाते हैं। इस प्रकार सभी एटम्स और मॉलिक्यूल्स अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाने के कारण वस्तु अपनी पुरानी शेप में वापस आ जाती है। आई होप कि आप सब समझ पाए होंगे कि कोई भी पदार्थ इलास्टिसिटी का बिहेवियर किस तरीके से शो करता है।